ये व्यू है मेरे होटल से उड़ीसा का नीलगिरी पहाड़ का। ये होटल नीलगिरी पैलेस से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है। नीलगिरी पैलेस के सामने ये सिर्फ एक ही होटल है। अगर आपको भी नीलगिरी पे रुकना है तो ये होटल पहले से आप बुक करके जाइए। बुकिंग डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। हेलो गाइस, तो अभी मैं आया हूँ नीलगिरी। ये उड़ीसा का एक छोटा सा गांव है। तो यहाँ का एक छोटा राजबाड़ी है और कुछ मंदिर है। तो अभी मैं वो राजबाड़ी दिखाने वाला हूँ और उसके बाद आएगा वो मंदिर। इस गेट के बगल में ही आप देख सकते हो दो लायन हैं। इसीलिए इस गेट का नाम है सिंह द्वार। ₹1521 में पहली बार नीलगिरी के राजा बने राजा नारायण सिंह मंधाता विराट बसंत हरिचंदन, और 30 मई 2001 से अभी तक वहां के राजा है राजा जयंत चंद्र मद्राज हरिचंदन। ये है कृष्ण द्वार। जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे कृष्ण कथा होती है। ये राजबाड़ी है उड़ीसा का नॉर्दर्न साइड बालासोर पे। यहाँ पे राजबाड़ी को राजबाटी बुलाते हैं। राजबाड़ी के इस साइड पे ऊपर की छत बिल्कुल टूटा फूटा है, इसीलिए इसके और अंदर ना जाना ही बेहतर है। ये जो द्वार आप सामने देख रहे हो इसका नाम है गुप्त बाफी। यहाँ पे सादा पानी का स्रोत है। जब यहाँ पे कृष्ण पूजा होता है तब यहाँ का पानी काम में लाया जाता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ब्राह्मणी वाटरफॉल्स की तरफ। नीलगिरी से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पे है ये ब्राह्मिनी वाटरफॉल्स। ब्राह्मिनी वाटरफॉल्स तक पहुंचने के लिए मुझे पहले मेरे बाइक को पहाड़ के नीचे पार्क करना पड़ा। इसके बाद जंगल के रास्ते होते हुए मैं पहुंच गया वाटरफॉल्स की तरफ। तो ये ट्रैकिंग उतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन रास्ता बहुत छोटा था। शायद पानी सूख गया है इसमें। तो मैं अभी इस जगह पे हूं और एक चट्टान के ऊपर हूं भाई, इसीलिए ये देखो यहाँ पे खड़ा हूं। मैं खड़ा हूँ ब्राह्मिनी वाटरफॉल्स के ऊपर, लेकिन यहाँ का पानी सूख गया है। गर्मी है ना बहुत, इसीलिए, और बहुत दिनों से बारिश भी नहीं हो रही है यहाँ पे। लेकिन ये जगह, ये देखिए, और मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है। ब्राह्मिनी वाटरफॉल्स का वीडियो हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ
पंचलिंगेश्वर मंदिर। अगर पानी होता यहाँ पे तो अच्छा होता। कोई बात नहीं, हर वक्त जो मैं चाहूँ वो हो, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना। अभी मैं हूँ पंचलिंगेश्वर मंदिर पे। तो पंचलिंगेश्वर मंदिर नीलगिरी से सिर्फ 10 किलोमीटर और ब्राह्मिनी वाटरफॉल्स से सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से शुरू होता है पंचलिंगेश्वर की चढ़ाई। टोटल 300 सीढ़ियां है जिसे आपको चढ़ना है। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत आसानी से चढ़ गया। अभी मैं पंचलिंगेश्वर मंदिर में हूँ। कुछ दूर उठते ही हालत खराब हो गया। आपके साथ मुलाकात होगी मंदिर के ऊपर। वो आराम से सीढ़ी चढ़ने वाली बात एक मजाक था, क्योंकि 50 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मेरा हालत खराब हो गया। जब मैं 300 सीढ़ी चढ़ के बाबा के मंदिर पे आया और बाबा का दर्शन हुआ, तब मारो सारा थकान दूर हो गया। अच्छा 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 बाबा के मंदिर के थोड़े ऊपर है ये राम मंदिर, जहाँ पे अभी अभी पूजा चालू हुआ है। ये है मेरे पीछे पूरा मंदिर। ऊपर आप जा सकते हो, लेकिन ऊपर कोई मंदिर नहीं है। बस अगर आपको शौक है बाहर चढ़ने का तो चढ़ सकते हो, लेकिन मेरे पैर में जूता नहीं है, जूता सामने उतर गया, तो इसीलिए मैं तो नहीं जा रहा। मैंने एक्सप्लोर किया उड़ीसा का एक छोटा पार्ट। फिलहाल मैं निकल पड़ा हूँ घर की ओर। मेरे इस चैनल को इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।